लॉकडाउन के बाद रांची समेत तमाम रेलवे स्टेशनों में सन्नाटा पसरा है। हालत ये है कि मात्र रेलवे के कर्मचारी और आरपीएफ के जवान ही स्टेशन परिसर में नजर आते हैं। मौके का जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता शहनवाज ने। वक्त गुजरने के साथ ही लॉकडाउन और सख्त और क्रियाशील भी होते जा रहा है। हालत यह है कि जिस रांची रेलवे स्टेशन में कल तक हजारों और सैकड़ों की संख्या में यात्री पहुंचा करते थे, वहां आज वीरानगी है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे, यहां जो एक दो लोग आपको नजर भी आ रहे हैं, या तो वो रेलवे के कर्मचारी हैं या फिर आरपीएफ के जवान हैं। उनके अलावा बाकी किसी भी व्यक्ति की यहां मौजूदगी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। एक बार की जब आप रांची रेलवे स्टेशन में इन करते हैं तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही रांची रेलवे स्टेशन है और ये वही की पटरियां हैं जिसमें हजारों और सैकड़ों की संख्या में यात्री सफर करते थे। लेकिन लॉकडाउन की प्रक्रिया इतनी सख्त और इतनी कारगर होती जा रही है कि दिन गुजरने के साथ ही ये लॉकडाउन और सख्त और क्रियाशील होते हुए नजर आ रहा है। यही वजह है कि हम खुद रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और इन पटरियों के बीच उस दिन को याद करने की और उस बात को एहसास करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इन्हीं पटरियों से रेल यात्री और रेलगाड़ियां और उनकी ट्रेनें गुजरती थी तब यहां कितनी मौजूदगी हुआ करती थी, किस तरह से गुलजार रहा करता था यह पूरा स्थान, यह पूरा परिसर। लेकिन कोरोना वायरस के डर की वजह से और भय की वजह से जिस तरह से देशव्यापी लॉकडाउन किया गया, उसका पूरा का पूरा प्रभाव और असर यूं कह सकते हैं कि रेलवे के परिचालन पर पड़ा है। हालत यह है कि आज के दिन यहां से एक गाड़ी भी ना तो खुल रही है ना दूसरे स्थानों से यहां रेलगाड़ियां पहुंच रही हैं। लिहाजा इसके वजह से यात्रियों को परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन लॉकडाउन का जो पर्पस है, जो उसका मकसद है, वो इन्हीं बंद पटरियों से ही पूरा हो सकता है। जब तक ये पटरियां सुनसान रहेंगी, खामोश रहेंगी, तभी लॉकडाउन को सफल बनाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कोरोना वायरस का भय और खौफ और उसका प्रभाव और असर कम होगा और इन पटरियों पर उसी तरह ट्रेनें दौड़ेंगी जैसे कल तक गुजरती थी। कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज, न्यूज 11 भारत, रांची।